कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो तो आपको जो कि जैसे कि कोल्ड हो गया है, कफ हो गई है, तो आपको ऐसे में कैसे अपनी केयर है जो कि वो करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि इस टाइम पर क्या होता है कि हम कोई भी मेडिसिन है वो नहीं ले सकते, और साथ ही ऐसे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, जो ना ही ऐसा कोई जैसे कि अपने आप कोई करना चाहिए जिससे हमें और हमारे बेबी को इफ़ेक्ट हो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि वैसे तो हम जैसे कि सामान्य होते हैं तो कोई भी मेडिसिन लेकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और इंस्टेंटली हम कोई मेडिसिन है जो कि वो नहीं ले सकते। और अगर आपको जैसे कि मेडिसिन लेनी भी है तो डॉक्टर से एडवाइस करके ज़रूर लें, उससे पहले अपनी मर्जी से है जो कि दवाई को ना लें। लेकिन फ्रेंड्स, आप प्रेगनेंसी के टाइम पर जितना हो सके मेडिसिन से बचिए, क्योंकि मेडिसिन खाने से है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे बेबीज़ के ऊपर। इसलिए आप जैसे कि कुछ छोटे छोटे से घरेलू तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने कोल्ड या फीवर को ठीक कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें जब कोल्ड हो जाता है, हमें कफ हो जाती है, तो मोस्टली ये हमें जैसे कि लगातार 7-8 दिन तक तो रहता ही है। तो ये नहीं है कि आज हुआ और कल ठीक हो जाएगा, ये अपना समय लेकर आता है और अपना समय लेकर ही जाता है। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें छोटे छोटे से तरीके हैं जो कि वो अपनाने चाहिए। जैसे कि अगर आपकी जुकाम की वजह से नाक बंद हो गई है, या फिर आप जैसे कि आपकी नाक बह रही है और नाक में स्वेलिंग हो चुकी है, तो आपको किस तरीके से ठीक करनी है, जैसे कि हमारी जो होम रेमेडी है पानी, पानी की जो स्ट्रीम होती है उससे आप इसका ट्रीटमेंट है जो कि वो आसानी से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी होती है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। जैसे ही हम स्टीम लेते हैं वो हमारे अंदर जाती है नोज से होती हुई, तो हमें काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और आप इस प्रोसेस को दिन में 2-3 बार कीजिए और आपको इससे करने से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, और आपकी जो रिकवरी है बॉडी की वो भी जल्दी हो जाएगी। और इसके बाद आपको और क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारी जब हमें कोई भी जैसे कि फीवर होता है, कोल्ड होती है, तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। तो सो फ्रेंड्स, उस टाइम पर आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि रेस्ट करने से आपकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी जल्दी से रिकवरी कर लेती है। तो उस टाइम पर आप अपने आप को रेस्ट दें, और इससे करने से आपकी है जो कि वो बॉडी में काफ़ी जैसे कि आप थोड़ा एक्टिव भी होगे और आपकी जो बॉडी है वो भी जल्दी रिकवर हो जाएगी। और नेक्स्ट आप और किस तरीके से कर सकते हैं, सो फ्रेंड, जैसे कि कफ होती है, कफ के लिए आप या तो मुलेठी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है कफ के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि अपना भी बता देती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था जब मुझे कोल्ड और फीवर हो चुका था। सो फ्रेंड्स, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि मुझे जब कोल्ड हो गई थी, जुकाम भी हो गया था, और मैंने काफ़ी दिन जैसे कि 7-8 दिन लगातार रेस्ट भी किया, और उस टाइम पर सो फ्रेंड, जैसे कि मुझे कफ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कफ के लिए मुलेठी का भी यूज़ किया। उससे खाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे कि रिलैक्स तो मिलता था, लेकिन जैसे कि होता है ना प्रेगनेंसी के टाइम पर एक ही चीज़ को खाने से जैसे कि वोमिटिंग हो जाना, उसे खाने का मन नहीं करना या देखने का मन नहीं करना, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। वैसे मैंने उसको खाया, वैसे तो मुझे आराम लग गया उससे, लेकिन फिर भी वो मेरे से खाई नहीं गई ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी थोड़ी कफ है जो कि ज़्यादा दिन रही। तो फिर उससे मैंने बचने के लिए जैसे कि अपने डॉक्टर से मेडिसिन ली। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे ये वाली मेडिसिन उन्होंने दी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जब मैंने कफ थी तो मैंने इसका यूज़ किया, और जब मुझे कफ होती थी तब इसकी मैं टैबलेट ले लेती थी। और ये ना आयुर्वेदिक है एक टैबलेट, लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि मुझे इस मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया, और ये काफ़ी अच्छी भी थी। मैं जैसे कि कहूँगी कि मुझे इससे काफ़ी आराम मिल गया, क्योंकि मुझे ना ऐसे होती थी कफ की होने लग गई और लगातार होती थी, सांस भी नहीं आता था बीच में।
तो फिर इसलिए मैंने ये टैबलेट है जो कि वो ली थी। सो फ्रेंड्स, वैसे तो आप भी इसे ले सकते हैं, लेकिन जब आप जैसे कि लेना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा हाथ होता है, इसमें सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, इसी प्रकार हमारा जो शरीर होता है वो सभी का अलग अलग होता है। तो किसी को कोई चीज़ शूट करती है तो किसी को कोई चीज़ शूट करती है, और भी जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी जो बॉडी होती है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो इसलिए आप है जैसे कि वैसे तो मुझे तो काफ़ी अच्छा जैसे कि पॉजिटिव रिजल्ट मिला इसका। अगर आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप एक बार ये चीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और साथ ही मुझे जैसे कि जुकाम था तो उस टाइम पर मैंने स्टीम है जो कि वो दिन में 2-3 बार ली, और मुझे उससे काफ़ी आराम मिला, और उससे भी मेरा जो जुकाम है वो मतलब मेरी जो रिकवरी थी वो काफ़ी जल्दी है जो कि वो हो गई थी। और फिर उस टाइम पर मैं थोड़ा 2-3 दिन के बाद काफ़ी अच्छा है जैसे कि फील करने लगी थी। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको जैसे कि जब ये कोल्ड या फीवर हो जाता है तो उस टाइम पर आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक ठंड आ गई या फिर आप जैसे कि बीमार है, लेजी हो गए तो पानी ना पीना, बल्कि आपको पानी है जो कि वो ज़्यादा पीना चाहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, क्योंकि जितना यूरिन आता है तो हद से ज़्यादा आपकी जो कि इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो उसके थ्रू है जो कि वो निकल जाती है। सो फ्रेंड्स, इसलिए आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट जरूर रखना चाहिए। और मैं थोड़ी सी जैसे कि टिप भी कह सकते हो आप, और लास्ट में इम्पोर्टेंट बात भी कह सकते हो कि जैसे कि हम बीमार होते हैं, सामान्य दिनों में क्या होता है कि हम इससे बचने के लिए काढ़ा ले लेते हैं, या फिर जैसे कि हम घरेलू तरीके होते हैं, चाय बना ली, अदरक डालकर, काफ़ी चीज़ें डालकर उसको बना लिया एक अच्छी सी और उसका यूज़ कर लिया। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और बल्कि आप जैसे कि स्टीम हो गया या फिर छोटी मोटी चीज़ें होगी उनसे अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और सो फ्रेंड्स, जैसे कि जब जुकाम होता है तो हमारी जो नोज़ होती है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो उससे बचने उससे क्या होता है, हमारी जैसे कि अंदर की स्किन थोड़ी सी खींच जाती है, उससे सर में दर्द भी होता है, और जो नाक होती है वो भी जैसे कि अंदर से दुखने लग जाती है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि जो ऑयल होता है, ऑयल की ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं, और या फिर आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए और अपनी दोनों नोज़ पे अंदरली साइड लगा लीजिए, और इससे आपकी जो जैसे कि जो ड्राई हो चुकी है झिल्ली वो भी बच जाएगी, और आपको जैसे कि काफ़ी अच्छा भी और रिलैक्स फील होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इसके अंदर शेयर किया है कि मैंने किस तरीके से अपनी रिकवरी की थी। और सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।